दोस्तों आप जो फ्रेम में कार देख रहे हो ना, ये कार अपने सेगमेंट में बहुत ही ज़्यादा गुड लुकिंग मस्कुलर है और कितनी ज़्यादा वाइड है। कोई भी इस इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हर कोई जानता है ये ब्रेज़ा है। फेस लिफ्ट आने के बाद बहुत ही ज़्यादा सुंदर निकल कर आ गई है। देखो इसकी रोड प्रेजेंस ना, इससे भी बड़ी जो गाड़ी आती ग्रैंड विटारा उससे भी ज़्यादा वाइड है। ये बात आप मानोगे या नहीं मानोगे कमेंट में मेरे को आप जरूर से बताना। ब्रेज़ा का कौन सा वेरिएंट है अगर आप पहचान पाए हो तो अभी कमेंट कर दो। टाइटल वाइटल अगर नहीं देखा है तो कमेंट कर दो। मैं एक सेकेंड का पॉज लेता हूं। ठीक है, ये है टॉप ऑफ द लाइन वेरियंट ZXi प्लस, उसमें भी ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर वाला, जो कि अभी तक तो मैंने चैनल में नहीं दिखा रखा है। फर्स्ट टाइम मौका मिला है, कहाँ आ रखा हूँ शूट करने, हल्द्वानी के नैनीताल मोटर्स में। अगर आपको कोई भी मारुति का प्रोडक्ट चेकआउट करना है आप इन्हें कॉन्टैक्ट जरूर से करना, नंबर में डिस्क्रिप्शन में मैंशन कर दूंगा। अब अगर बात करते हैं ब्रेज़ा की, देखो कॉम्पैक्ट SUV है, 4 मीटर से नीचे रखी गई है, लेकिन इस तरीके से प्रेजेंट करी गई है ना कि कहीं पे भी कुछ भी कमी नहीं छोड़ती है। और टॉप मॉडल में भाई क्या क्या फीचर्स नहीं दे दिए, सबकी बात डिटेल में करने वाले हैं। आपको वीडियो को एंड तक जरूर से देखना है, अच्छी लगेगी लाइक कर देना, एंड जितने भी नए लोग हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबाना। ठीक है, शुरू करते हैं। एक तो ब्रेज़ा व्हाइट कलर में लगती बहुत सुंदर है भाई, कोई भी गाना व्हाइट कलर में बहुत अच्छी लगती है, और कहीं ना कहीं गर्मियों में इसका बड़ा यूज़ होता है, हीट वगैरह रिफ्लेक्ट कर देती है फटाफट से। अब देखते हैं कि ये वेरिएंट का प्राइस कितना जा रहा है। तो एक्स शोरूम ये चले आता है 13,97,942 रुपीज़ का। ऑन रोड कितने का पड़ रहा है, 16,40,000 रुपीज़ का। क्या आपको इतने देने हैं? नहीं, क्योंकि यहाँ पर चल रहा है पहली बार ब्रेज़ा में डिस्काउंट 10,000 रुपये का, तो सीधे सीधे आपको कैश डिस्काउंट मिलेगा जो कि कम होना ही होना है। बाकी जो 15,000 रुपये रहेंगे ना वो रहेंगे एक्सचेंज के, तो टोटल हो जाएगा 25,000 रुपये का डिस्काउंट। पहले ब्रेज़ा में डिस्काउंट नहीं आता था, इस बार आ रखा है। एक और चीज़ जान लो, हाइब्रिड आपको पता है कि नहीं आ रहा है, लेकिन ऊपर के मॉडल्स में आ रहा है, पहले सिर्फ ऑटोमेटिक में आ रहा था। अब ZXi प्लस में चाहे मैनुअल लो ऑटोमेटिक लो आपको स्मार्ट हाइब्रिड मिलेगा। LXi VXi में स्मार्ट हाइब्रिड नहीं है, मैं रिकमेंड भी नहीं करता LXi वेरिएंट पे जाओ। ZXi प्लस क्या वर्थ इट बन रहा है इसकी बात मैं लास्ट में कंक्लूड करूंगा, पहले आप थ्रू आउट द वीडियो चेकआउट करो। देखो यहाँ पर जो प्राइस देना 16,40,000, इसमें देखते क्या चीज़ ऑफर करी जा रही है। सबसे पहली नज़र जाएगी आपकी यहाँ पर कैमरे में, ठीक है, जो कि मुझे लगता है कि होना चाहिए था, कि गाड़ी काफ़ी ज़्यादा वाइड है, थोड़ी सी लंबी भी है, कैमरे की नीड आपको पड़ेगी पड़ेगी। क्रोम वर्क गया है, फिर आगे से डिज़ाइन एलिमेंट गया ग्लॉसी में, सिल्वर कलर की स्किड प्लेट आपको मिल जाएगी, और जो लाइटनिंग सेटअप है ये कंप्लीट तरीके से आपका LED में है। चाहे मैं इसके मेन हेडलैम्प की बात करूं और यहाँ पे नीचे फॉग लैम्प की बात करूं, हाई बीम लो बीम टर्न इंडिकेटर LED DRL सब कुछ LED में आपको मिल जाएगा, कितनी सही चीज़ है। बाकी यहाँ पे आपको मिल जाता है इस तरीके से मार्जिन, और ये लाइट ऑटोमेटिक के साथ आएगी, फॉलो मी का भी काम करेगी, ठीक है, यहाँ पर भी आपको मिलेगा मार्जिन। बाकी पूरा फ्लैट एक हल्का सा आपको कट यहाँ पर मिलेगा इस तरीके से, उठाते हैं इसे, एक हाथ से उठाने में ताकत लगने वाली है, क्या बात है, अच्छा खासा आपको हैवी देखने को मिलेगा, प्रॉपर इंसुलेशन है देखो, ठीक है, पीछे देखोगे यहाँ पर इंसुलेशन है, नीचे से भी गाड़ी को यहाँ पर पैक कराया गया है, बहुत ही बढ़िया। ये है जी K15C स्मार्ट हाइब्रिड पेट्रोल इंजन, 1500cc का है। स्मार्ट हाइब्रिड मतलब अंदर आपको छोटी सी मोटर छोटी सी बैटरी देखने को मिलती है जो कि आपकी गाड़ी का माइलेज बढ़ाएगी। जहाँ पर आपको टॉर्क की नीड है वो भी आपको एक्स्ट्रा ही प्रोवाइड कराएगी। पावर कितने की मिल रही है, 103 की BHP एंड 136.8 Nm ऑफ टॉर्क, तो अच्छे पावर फिगर्स है, कभी भी आपको पावर को लेकर कमी नहीं होने वाली। ये गाड़ी फुल कैपेबल है, चाहे पहाड़ों में ले जाओ चाहे इसको हाईवे में दौड़ाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये ऑटोमेटिक है टॉर्क कन्वर्टर के साथ, तो इसमें आपको मिल रहा है 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर, अगर आप मैनुअल लोगे ना तो 5 स्पीड मिलेगा। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक लेने का फायदा है कि एक गियर हमें एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो जब आप गाड़ी को भगाते हो ना हाईवे में तो यहाँ पे माइलेज भी अच्छा मिल जाता है एक्स्ट्रा गियर होने की वजह से। बाकी अगर वारंटी की बात करता हूँ तो यहाँ पर भी अपडेट हो गया है, पहले स्टॉक वारंटी आती थी 2 साल 40,000 की, अब ये बढ़ गई है और ये हो चुकी है 3 साल 1,00,000 किलोमीटर की स्टॉक वारंटी, ठीक है। बाकी पूरे इंजन का सेक्शन देख लिया हमने, इसे करते हैं बंद। आते हैं साइड प्रोफाइल से, गाड़ी का लुक चेकआउट करो आप एक बार, कितना मस्त लुक निकल कर आ रहा है। बढ़िया चीज़ बताऊँ क्या है, कंपनी ने ना बिल्कुल भी यहाँ पे कॉस्ट कटिंग नहीं करी है, ड्राइवर साइड को ड्राइवर से रिक्वेस्ट सेंसर डाला है, मारुति की ये चीज़ मेरे को बड़ी सही लगती है। बाकी अलॉय व्हील का डिज़ाइन देखो, डायमंड कट अलॉय व्हील, क्या लुक यहाँ पे निकाल के दे रहे हैं, MRF के वॉन्डर टायर हैं, और अगर एलॉय व्हील का साइज़ चेकआउट करें तो यहीं कहीं मेंशन होना चाहिए, और एलॉय व्हील का साइज़ यहाँ पे निकल कर आ रहा है 16 इंच का। कंप्लीट टायर सेटअप है 215/60R16 का, ठीक है। फ्रंट में डिस्क ब्रेक हैं,
पीछे चेकआउट करेंगे तो यहाँ पर अपने को ड्रम मिल रहे हैं और ब्रेक बाइट काफ़ी अच्छी है गाड़ी की। बाकी यहाँ पर जो क्लैडिंग गई है ना फेंडर में, रनिंग बोर्ड में, डोर में, इससे लुक बहुत ही मस्त यहाँ पे निकल कर आ रहा है। ग्राउंड क्लियरेंस चेकआउट करो एक बार आप, 198 mm का बिल्कुल प्रैक्टिकल ग्राउंड क्लियरेंस, एकदम SUV वाला, कोई भी कमी यहाँ पे नहीं है। फ्यूल टैंक का गेट आपको मिल जाता है यहाँ पे को ड्राइवर साइड एंड 48 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी है। इसे बंद करते हैं। क्वार्टर पैनल ग्लास मिलेगा, फंक्शनल रूफ रेल मिलेगी, शार्क फिन एंटीना मिलेगा और मिल जाएगी जी सबकी चहेती यहाँ पे सनरूफ, और वाइट कलर में ना ये सनरूफ दूर से विजिबल हो जाती है, ये चीज़ बहुत अच्छी है। साइड मिरर ऑटो फोल्ड हो जाते हैं तो ऑब्वियसली बात इलेक्ट्रिकली फोल्ड एडजस्ट आप कर ही पाओगे। LED में आपको इंडिकेटर मिलेंगे। फिर यहाँ पर देखो इस तरीके से ना कट गए हैं, ये कट से ना गाड़ी का लुक थोड़ा मस्कुलर निकल कर आता है। यहाँ पे सस्पेंशन की बात करूंगा तो फ्रंट के सस्पेंशन इंडिपेंडेंट है, पीछे के सस्पेंशन आपको मिल जाते हैं यहाँ पे नॉन इंडिपेंडेंट। कंबाइन करके बताता हूँ, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी गड्ढे वगैरह में, ये सस्पेंशन अच्छे से शॉक को एब्जॉर्ब करते हैं। और इसके जितने भी डायमेंशन है सारे आप डिस्प्ले में चेकआउट करो, कॉम्पैक्ट SUV से कंपेयर करना, और इस प्राइस में जो और गाड़ियाँ आ रही हैं ना क्रेटा सेल्टोस उनसे भी कंपेयर करके देखना आप इसको। अब आते हैं पीछे की तरफ और यहाँ से ब्रेजा का लुक देखो भाई। फिर से बोलना चाहूँगा रेंज रोवर लगती है तो लगती है, लोग कहेंगे ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, लेकिन भाई स्टाइल आता है पूरा पूरा। ये देखो मस्त एकदम, यहाँ पर आपको मिल रहा है कम्प्लीट LED सेटअप, ठीक है, पूरा ये स्मोक ट्रीटमेंट के साथ, बाकी चीज़ आपको हेलोजन में मिल रही है। और ये ब्रेजा जो लिखा हुआ आ रहा है ना इससे बन रहा है भाई अल्टीमेट लुक। स्मार्ट हाइब्रिड की बैजिंग, क्योंकि अब ये मिलता नहीं नीचे के मॉडल में, जिन्होंने स्टार्टिंग में लिए उन्होंने मजे ले लिए स्मार्ट हाइब्रिड के। चार आपको मिल जाते हैं पार्किंग सेंसर, कैमरा भी आपको मिल जाएगा, एक कैमरा और दिखाना भूल गया जो कि आपको मिल रहा है साइड मिरर के नीचे इस तरीके से। 360 डिग्री है तो पूरा पूरा दिखाएंगे ना आपको, कहीं पे कमी छोड़ेंगे नहीं। बाकी वाइपर, डिफॉगर और इस तरीके से आपको स्पॉइलर, तो इससे जो कंबाइंड लुक निकल कर आ रहा है ना वो है कुछ इस तरीके से। और पीछे का जो डिफ्यूज़र का ट्रीटमेंट है, बम्पर वाला ट्रीटमेंट है, उसमें भी आपको सिल्वर कलर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। चलो अब खोलते हैं जी इसकी हम यहाँ पे डिग्गी। और एक और चीज़ चेक करो, यहाँ पर भी रिक्वेस्ट सेंसर है, पार्सल ट्रे आपको मिल जाएगी। और बूट स्पेस कितने लीटर की है, 328 लीटर की बूट स्पेस है जो कि बहुत ज़्यादा मैसिव होती है। आप इसको एक्सटेंड भी कर सकते हो क्योंकि सीट स्प्लिट हो जाएगी 60-40 में। बाकी लाइट देखें बिल्कुल है, लेकिन मैन्युअली हमें इस तरीके से ऑन करना पड़ेगा। हुक हमको यहाँ पे मिल जाएगा, इसके नीचे अपने को मिल जाता है स्पेयर व्हील का टायर, ठीक है। इसे करते हैं बंद, खोलते हैं ड्राइवर साइड का गेट जो कि अपने को थोड़ा सा यहाँ पे हैवी फील हो रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। डोर देखेंगे तो ड्यूल टोन है, ब्राउन और ब्लैक कलर का, सिल्वर कलर का ट्रीटमेंट गया है, क्रोम वर्क गया है। ड्राइवर साइड की विंडो वन टच डाउन और वन टच अप मिल जाएगी एंटी पिंच के साथ। बाकी पानी की बोतल, डॉक्यूमेंट कैरी होंगे, स्पीकर आपको मिल रहे हैं, ट्विटर्स आपको मिल रहे हैं। साइड में देखोगे तो स्टार्ट स्टॉप बटन है क्रोम के साथ, एंड यहाँ पे आपको मिल जाता है हेड्स अप डिस्प्ले को ऑपरेट करने का ऑप्शन जो कि यहाँ से कांच की तरह निकलता है। बाकी 360 डिग्री कैमरा, ट्रैक्शन को ऑफ कर सकते हो, ऑटो स्टार्ट स्टॉप का बटन, नीचे दो ही पैडल आएंगे और आपको मिल जाता है इस तरीके से डैट पैडल। सीट देखोगे तो कंप्लीट तरीके से फैब्रिक है और बिल्कुल आपका जो डैशबोर्ड है ना उससे मिलता जुलता है पे कलर रख रखा है। बड़े बड़े आपको हेडरेस्ट मिल जाएंगे, हाइट एडजस्टमेंट का लीवर मिल जाएगा। चलो सीटिंग कंफर्ट की बात करते हैं। सीटिंग कंफर्ट काफी अच्छा है, बैक सपोर्ट मस्त मिल रहा है एंड हेड सपोर्ट में कोई दिक्कत नहीं है, स्पेस वाइज भी कोई परेशानी नहीं है और सीट होल्ड अच्छा कर रही है और कमांडिंग पोजिशन है, मतलब मैं पूरा बोनट देख सकता हूँ, ये बहुत अच्छी चीज है। बाकी अंदर ना कॉम्पैक्ट SUV के अगर मैं सेगमेंट को देखते हुए बोलूं तो स्पेस बहुत है गाड़ी में। स्टीयरिंग आपको मिलता है जी फ्लैट बॉटम 3 spoke के साथ एंड ड्यूल टोन आप इसे कहेंगे क्योंकि सिल्वर ट्रीटमेंट है जो कि काफी ज्यादा स्मूथ है। लेदर ऐप आपको स्टीयरिंग व्हील मिलेगा, फिर आपको क्रूज कंट्रोल मिल जा रहा है इस तरीके से, एंड यहाँ से आप हर मारुति की कार की तरह अपना जो इन्फोटेनमेंट है आप उसे ऑपरेट करोगे, फिर फोन उठाना काटना ये सब मिलेगा। मजे की चीज क्या है कि आपको पैडल शिफ्टर्स मिल रहे हैं कुछ इस तरीके से, जिसमें चलाने का जो मजा है ना बहुत अल्टीमेट होता है। वाइपर्स देखोगे आपको इस तरीके से मैनुअल मिलेंगे, लाइट्स आपको मिल जा रही है जी ऑटोमेटिक, एंड अगर हम एडजस्टमेंट देखते हैं बस ये डिसअपॉइंट करता है थोड़ा सा कि डाउन नॉब नीचे करता है, गिरना नहीं चाहिए, हालांकि सब है और बहुत स्मूथ है। हाँ ये देखो मैं उल्टे हाथ से कर दे रहा हूँ, लेकिन ये जो गिर जा रहा है बस ये है एक लग रहा है कि इसको थोड़ा फिक्स करता मारुति अच्छा लगता। चाबी देखोगे
तो जैसे अगर आप नेक्सा में चाबी देखते हो ना, सेम आती है लेकिन कंप्लीट तरीके से ब्लैकआउट होती है। इसमें थोड़ा सा ब्लू ट्रीटमेंट आपको मिलेगा, बताएंगे कि एरिना का प्रोडक्ट है। और लॉक और अनलॉक का बटन है, अब यहाँ से डिग्गी इसकी अनलॉक नहीं कर सकते हो। एंड करते हैं जी इसे हम यहाँ से अपना स्टार्ट, ये करी हमने बैटरी ऑन और ये हो गया इग्निशन ऑन इस तरीके से, ये देखो ठीक है। बात करते हैं इसे क्लस्टर की, तो बहुत ब्यूटीफुल है। एंड आपको टैकोमीटर, स्पीडोमीटर, गाड़ी का इंजन ऑयल टेम्परेचर, गाड़ी में फ्यूल कितना है, सब चीज निडल में आपको देखने को मिलेगी। सेंटर में आपको मिलता है मल्टी कलर ट्रिप मीटर, जिससे आप यहां से इस तरीके से मल्टीपल चीजें यहां पे जान पाओगे। और इसके अंदर आपको एक छोटी सी बैटरी देखने को मिलती है, जिसके वजह से आपको एक्स्ट्रा पावर और आपका माइलेज थोड़ा आपको एक्स्ट्रा मिल जाता है। एंड ये रीजनरेटिव के साथ आती है, तो जब जब आप ब्रेक लोगे ना, तब तक ये आपकी यहाँ पे चार्ज होती रहेगी। एंड आप कौन से गियर में वो भी लिखा हुआ आएगा, आउटसाइड टेम्परेचर, टाइम वगैरह सब कुछ मिलता है, बस TPMS नहीं आ रहा है, बाकी सब चीज़ आ रही है। और लगे हाथ बात कर लेते हैं हम यहाँ पर काफ़ी बड़े डिस्प्ले की, जो कि है 9 इंच का। एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, वायरलेसली सपोर्ट करेगा। एंड ये भी मल्टीपल चीज़ें आपको शो करेगा, इजी टू यूज़, बटन्स आपको यहाँ मिल जाते हैं। टच वाइज अच्छा स्मूथ है, कभी ये लैग वगैरह करता नहीं है, कोई भी इसमें परेशानी आई नहीं है अभी तक का। एंड उसके नीचे आपको एसी वेंट वगैरह देखने को मिलेंगे। आगे देखोगे आपको हेड्स अप डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, जैसा मैं बता रहा था कि सब चीज़ आप यहाँ से ऑपरेट कर लोगे। 360 डिग्री कैमरा, ऑटो स्टार्ट स्टॉप, बाकी हेड्स अप डिस्प्ले का HUD यहाँ पे लिखा हुआ है इस तरीके से। उसकी ब्राइटनेस और उसका जो पोजीशनिंग है, सब चीज़ आप यहाँ से करोगे एडजस्ट। एंड अगर आप देखते हो ना, तो आपको स्पेस अच्छी मिलती है, बिल्कुल फ्लैट है, तो आप यहाँ पे सामान वगैरह कैरी कर सकते हो। बाकी बोनट आपका पूरा यहाँ पे विजिबल हो जाएगा। ऊपर देखोगे तो आपको यहाँ पे सिर्फ टिकट होल्डर मिल रहा है। एंड यहाँ देखेंगे मिरर मिलेगा, और इसके संग आपको लाइट मिल जाएगी, जो कि आपको इस तरीके से मैन्युअली ऑन करनी है, ठीक है। फिर देखोगे तो ऑटो डिमिंग आयर VM है, बहुत बढ़िया। सनग्लास होल्डर, लाइट्स यहाँ देखेंगे हमें हेलोजन में मिल रही है। फिर रही जी आपके सनरूफ का ये कंट्रोल, इतना वाला पार्ट। एंड आपको यहाँ पे मिल जाता है माइक इस तरीके से। लाइट को मैं यहाँ पे ऑफ कर देता हूँ, और नीचे आऊँगा तो अपने को AC वेंट मिल रहा है और ऑटोमेटिक AC मिल रहा है, जिसका डिज़ाइन बहुत प्रीमियम लग रहा है। उसके नीचे देखोगे एम्बिएंट लाइट मिल जा रही है, बिल्कुल ये ब्लू कलर की, और ये आपको वायरलेस चार्जिंग के साथ आ रहा है, ठीक है। पैड ये देखो इस तरीके से, पूरा वायरलेस चार्जिंग के साथ है, कूलिंग के साथ नहीं है। बाकी टाइप ए का पोर्ट है, 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट है। फिर से पार्किंग में डाल देते हैं, और ये है आपका 6-speed टॉर्क कन्वर्टर गियर बॉक्स, ऐसा गियर नॉब, काफ़ी स्टाइलिश है। बहुत ज़्यादा स्टाइलिश भी नहीं होगा, लेकिन सोफिस्टिकेट एलिगेंट डिज़ाइन आपको देखने को मिलेगा। रिवर्स लगाते हैं एक बार, ठीक है, ये लगाए रिवर्स। कैमरा क्वालिटी चेक करो, ऑसम कैमरा क्वालिटी है, कोई दिक्कत नहीं है। और एक बार आपको 360 इनेबल करके दिखाता हूँ मैं, ये रहा, ये देखो सब कुछ शो होगा, ठीक है। एक बार और दबाएंगे, फिर एक बार और दबाएंगे, तो इस तरीके से आप इसे ऑन ऑफ वगैरह कर सकते हो। तो सारी चीज़ें अच्छे तरीके से शो करता है, इसको ऑफ ही कर देता हूँ मैं, ये रहा अपना ऑफ हो गया। नीचे देखोगे तो आपको दो मिल जाते हैं इस तरीके से कप होल्डर यहाँ पे, ठीक है। एंड ग्लव बॉक्स के नीचे आपको स्पेसिंग अच्छी मिलेगी, और ये जो आर्मरेस्ट आपका ना, ये आपका एडजस्टमेंट के साथ आता है, स्लाइडिंग के साथ, देखो बहुत ही बढ़िया। सब चीज़ अच्छी लग रही है, बस ये जो ब्राउन कलर है, ये थोड़ा सा मुझे अटपटा लग रहा है, कि मतलब इसके अलावा कोई और कलर अगर चूज़ करते, वाइट चूज़ करते, बीच चूज़ करते, ब्लू चूज़ करते, ज़्यादा बेटर लगता। ब्राउन एकदम से देखने में ना आपको प्लीजेंट सा ही लगेगा। और एम्बिएंट लाइटनिंग यहाँ भी है देखो इस तरीके से, तो शाम के समय, रात के समय बढ़िया नज़ारा बनने वाला है। ग्रैब हैंडल बार आपके सॉफ्ट ओपनिंग के साथ आते हैं इस तरीके से। सीट बेल्ट में आपको मिलता है हाइट एडजस्टमेंट का लीवर। बाकी सेफ्टी की बात करता हूँ, तो एरिना का क्लॉथ ऐसा प्रोडक्ट है जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, 4 स्टार इसकी रेटिंग है। बाकी आपको 6 एयरबैग्स मिल रहे हैं इस मॉडल में। फिर आपको ABS, EBD, ब्रेक असिस्ट, ESP, हिल होल्ड, ट्रैक्शन, मल्टीपल सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं, कोई कमी नहीं छोड़ी है। डोर खोले मैंने, बोनट उठाया मैंने, तो हैवीनेस पूरी पूरी फील हुई मेरे को यहाँ पे, तो स्ट्रॉन्ग और हैवी प्रोडक्ट है। बाकी अब चलते हैं पीछे की तरफ, खोलते हैं पीछे का डोर, और यहाँ देखेंगे तो सेम अपने को भी यहाँ पे एम्बिएंट लाइट मिल रही है। बाकी ये पूरा अपना सॉफ्ट टच है। फिर पानी की बोतल कैरी हो जाएगी, स्पीकर अपने को मिल रहे हैं। पीछे देखोगे तो अपने को AC वेंट मिल रहा है। बाकी पोर्ट मिल जाएंगे, देखें तो टाइप C का पोर्ट है,
टाइप ए का पोर्ट है, तो चलो ट्रेंड फॉलो हो रहा है। और ये सीट कवर जो है ना, ये आपकी कंपनी की सीट कवर है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी की, मैं कहूँगा आप यही लगाना। बाकी आपको इस तरीके से पॉकेट्स मिल जाएंगी दोनों साइड, हुक आपको मिल जाएगा, बाकी सॉफ्ट ओपनिंग ग्रैब हैंडल बार कोट हैंगर के साथ। सेंटर में देखोगे आर्म रेस्ट है, वो भी दो कप के साथ, बहुत ही बढ़िया। बस ये लाइट की पोजिशनिंग कहाँ डाल दी यार, मतलब यहाँ देते साइड में देते, बिल्कुल पीछे डाल दी। ठीक है, अब चलो सीटिंग कंफर्ट की बात करते हैं। सीटिंग कंफर्ट अच्छा है, थाई सपोर्ट अच्छा है, स्पेसिंग भी अच्छी है। अभी तो मैं रिक्लाइनर बहुत ज्यादा पीछे रख रखा था और कोई भी कमी नहीं है यहाँ पे। बाकी बैक सपोर्ट मस्त है एंड हेड सपोर्ट भी बहुत अच्छा मिल रहा है, स्पेस वाइज भी कोई कमी नहीं है। कंक्लूजन की बात करते हैं स्ट्रेट अवे, मुझे ऐसा लगता है कि ब्रेसा का ये वेरियंट टॉप एंड वेरियंट वैल्यू फॉर मनी है, क्योंकि इस प्राइस में अगर हम देखें 16.40 लाख में जो हमें यहाँ पे चीज़ें ऑफर करी जा रही हैं, ये वर्थ इट है भाई, क्योंकि सारी चीज़ें मिल रही है ना। देखो टॉक कन्वर्टर गियरबॉक्स मिल रहा है, अंदर 360 डिग्री कैमरा, बड़े बड़े डिस्प्ले आपको मिल रहे हैं, आगे पीछे एसी, वेंट सनरूफ हो गया, कंप्लीट लाइटनिंग सेटअप एलईडी हो गया। मेन चीज़ जो मारुति का यहाँ पे इंजन है, जो कि आपको आज नहीं आने वाले 10 साल तक सेम आपको यहाँ पे माइलेज निकाल के देगा, ऐसा नहीं होगा कि टाइम के साथ ना आपका माइलेज गिर रहा है यहाँ पे। तो और स्मार्ट हाइब्रिड भाई, ये चीज़ बहुत अच्छी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि टॉप एंड में अगर जाओगे तो ऐसा नहीं है कि यार पैसे वेस्ट हो गए, इतने फीचर्स से मिलने सब कुछ प्रोवाइड कराया जा रहा है एंड वर्थ इट प्रोडक्ट है, मेरे को तो बहुत अच्छा लगा। थोड़ा ये लगता है कि हाँ यार सीट में लेदर मिल जाता तो अच्छा रहता, लेकिन मेरे को लगता है कि नहीं यार ये सीट ना ऐसी ही अच्छी है फैब्रिक, ठीक है। ये थोड़ा सा कवर हवर लगा के ना गर्मी के टाइम पे परेशानी हो जाती है, अभी तो मानसून का सीजन है, फिर विंटर का सीजन आएगा तो नहीं पता चलेगा। जब गर्मियों का आता है ना आपको पता है कैसी खतरनाक गर्मी पड़ती है, कार के अंदर बैठोगे ना बिल्कुल जल पड़ते हो जब अगर आपकी सीट उस टाइप की है, मतलब लेदर है पाली। तो ये चीज़ अच्छी लगी मेरे को, फैब्रिक है कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मेरे को तो प्रोडक्ट से कोई शिकायत नहीं है, आपको क्या लगता है कि 16.40 लाख इस टॉप मॉडल के लिए देनी चाहिए या नहीं, यह आप मुझे कमेंट में बताना, ब्रेसा लगती कैसी भी बताना एंड वीडियो कैसे लगी ये तो आप जरूर से बता देना। बाकी मैं आपको मिलता हूँ बहुत जल्द ऐसे एक नई वीडियो के संग, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।